भगवान को प्राप्त करने की ओर नहीं दौड़ेगी। ये तुम्हें पता है, ये आशा इस मैया के यहाँ पड़ी रहेगी कि मैं अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ आया है, इसलिए ध्रुव तुम चले जाओ। और याद रखना श्रोता बंधु, वो माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से कोई सूरवीर पैदा हो, वो माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से कोई ऐसा भक्त पैदा हो जो विश्व में उसका नाम विख्यात हो जाए, वो माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो देश की रक्षा करते करते देश के प्रति शहीद हो जाए। वो का ध्रुव चले जा, लेकिन ध्रुव आशीर्वाद मौसी से भी लेके जाना। अगर तुम मौसी से आशीर्वाद लेकर के नहीं गए, दुनिया के प्रति अगर तुम्हारा ये जो तुम जा रहे हो ना घमंड भरी बात लेकर के मत जाना कि मौसी ने हमें गद्दी से उतार दिया और कहा कि तुम चले जाओ, ऐसा कभी क्रोध मत जताना। मौसी से भी आशीर्वाद लेकर के जाना ध्रुव। आज ध्रुव गए हैं, मौसी से आशीर्वाद लिया और वहां से लागा भाग दिया। हुआ ऐसा कि घर पे लिखत छोड़ी माते, हजी माते अपनी भाग चलो है
निकल के जैसे ही चले हैं, वो तान पाद को जिस समय खबर मिली है तो कह दिया जाकर के ध्रुव से बोल दो कि तुम्हारे पिता का आदेश है, तुम लौटा। आज से तुम्हारी माँ को जहाँ जौ की रोटी मिलती थी ना, आज से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। भागे जब आप दिया, रे ध्रुव भैया ठहर जा, पिता का आदेश है, आज से तुम्हारी माँ के लिए शुद्ध गेहूं की रोटी। ध्रुव हंसने लगे, जब आप दिया, बारे परमात्मा तेरे नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, अभी तो हम घर से ही निकले थे और मेरे माँ के लिए शुद्ध गेहूं की रोटी। तो मुझे पता है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे पिता के दर्शन तो अवश्य ही होंगे। अरे भैया लौट जाओ, हमें नहीं जाना है। वो तान पाद को जिस समय खबर मिली है ध्रुव लौट करके नहीं आ रहे, तो आज कह दिया कि ध्रुव से ये कह दो जाके, आज से ध्रुव का आधा राज्य है। कह दिया ध्रुव, पिताजी का कहना है आज से तुम्हारा आधा राज्य, माँ के लिए शुद्ध गेहूं की रोटी, लौट चला। ध्रुव ने जवाब दिया, माफ करना भैया, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, अब मैं जा रहा हूँ तो अपने पिता की गोदी को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग लौट जाओ। चले गए ध्रुव, चलते चले गए। आगे क्या देखा है, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने जिस समय देखा है तो कहा है, बेटा भागते हुए जा रहे हो, अरे इधर कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है ऐसे ऐसे जा